ये वाक्या मेरे साथ एक साल पहले पेश आया। मेरे स्कूल के फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी रहती थी। वैसे तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, मगर एग्ज़ाम्स करीब होने की वजह से स्कूल ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक ओपन रहती थी, ताकि स्टूडेंट्स अगर चाहें तो लाइब्रेरी में देर तक रुक के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर पे स्टडी करने की बजाय मैं भी यही प्रेफर करती थी कि सुकून से जाके लाइब्रेरी के खामोश माहौल में एग्ज़ाम्स की तैयारी करूं। उस दिन 6 बजे मैं घर से वॉक करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लाइब्रेरी पहुंची। पढ़ाई करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। मैं इतना लेट लाइब्रेरी में कभी नहीं रुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक मैं वॉक करके घर चली जाया करती थी। 8 बजे तक भी कुछ स्टूडेंट्स तो लाइब्रेरी में होते थे, पर 10 बजे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा बस कुछ 10-15 मिनट का काम और रहता था, तो मैंने सोचा बस ये जल्दी से ख़त्म कर लूँ और फिर घर की तरफ निकलूँगी। मैं पूरी तरह से अपने काम में गुम थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी के अजीब तरह से चलने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने फौरन अपनी किताबें उठाईं और तेज़ी से लाइब्रेरी से निकली। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर है, जिससे गुजर के राइट साइड पे मुड़े तो स्कूल का मेन डोर आता है। मैं कॉरिडोर से गुजर के मेन डोर की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी कि मुझे कॉरिडोर के एंड पे कोई औरत खड़ी नज़र आई। वो जो कोई भी थी, पर मैं जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी मुझे एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही थी, इस हद तक कि मैंने घबराहट में आवाज़ देके पूछा, कौन है वहाँ? मेरे ऐसा कहते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो वहाँ से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और स्कूल के मेन डोर से बाहर निकली। थकन और भूख से मैं ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रही थी, पर मैंने नोटिस किया कि स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि वो स्ट्रीट हमेशा काफ़ी बिजी होती है और देर रात में भी लोग वहाँ वॉक करते नज़र आते हैं। खैर, घबराहट और खौफ से मैं मुसलसल नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक मैंने ज़मीन पे किसी का पड़ता हुआ साया देखा। हालांकि उस वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। जब मैंने सर उठा के सामने देखा तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी। पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि वो माजूर है और बहुत ही मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, और वो इतना आहिस्ता चल रही थी कि थोड़ी ही देर में मैं उसके करीब पहुंच गई। इतना करीब कि मैं उसे अपने सामने बिल्कुल साफ देख सकती थी। उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पांव मुड़े हुए हैं, और तो और उसके बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे। मुझे वो सब इतना अजीब लगा कि
मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी गट फीलिंग बार बार मुझे यही कह रही थी कि मुझे इस औरत के और करीब नहीं जाना चाहिए और ना ही मुझ में उसे क्रॉस करके आगे बढ़ने की हिम्मत थी। मेरा जिस्म जैसे उस वक्त फ्रीज हो गया था। उस वक्त खौफ से ना तो मेरे मुंह से कोई आवाज निकल पा रही थी और ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रही थी। मेरा जहन बिल्कुल सुन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने डर के मारे उस औरत को उंगली से दूर इशारा कर दिया। वहां मैं बस चाहती थी कि वो वहां से चली जाए। वो लंगड़ाती लंगड़ाती उस तरफ चली गई जिस तरफ मैंने इशारा किया था और अंधेरे में इतना दूर निकल गई कि मेरी नजरों से ओझल हो गई। मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं वो औरत दोबारा मेरे सामने ना आ जाए, इसलिए मैं तेज तेज घर की तरफ दौड़ना शुरू हो गई। उस वक्त मेरा जहन कुछ और नहीं सोच पा रहा था सिवाय इसके कि मुझे कोई गाड़ी या कोई बंदा रोड पे नजर आ जाए जिसकी मैं मदद ले सकूं। और फिर उसी लम्हे मुझे उस औरत के दूर से चीखने की आवाज आई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं होश में आई तो मुझे पता चला कि मेरे नेबर को मैं रोड पे बेहोश हालत में मिली और उन्होंने मुझे घर पहुंचाया। मुझे हमारे नेबर से पता चला 1998 में आगथा नामी एक 32 साल औरत अपनी बेटी के साथ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती थी। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी बेटी की उम्र 9 साल थी। वो ईडन हिल स्कूल में ही पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में खेलते खेलते अचानक एक हादसे में उसकी बेटी की मौत हो गई। आगथा अपनी बेटी की मौत का सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी सदमे में वो इस दुनिया से चली गई। उस वाक्य के बाद आगथा ईडन हिल स्कूल में और उस एरिया के आसपास अक्सर लोगों को अपनी बेटी को ढूंढती हुई नजर आती है। उसकी बेचैन रूह मरने के बाद भी अभी तक अपनी बेटी से मिलने के लिए भटक रही है। Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to comment and subscribe to my channel if you haven't already. I'll see you again with another creepy story. Until then, bye!